तनी क्या चल रहा है इस घर में? तुम्हें मम्मी को समझाना चाहिए था, उल्टा तुम उन्हें सपोर्ट कर रही हो। मम्मी अलग होकर सही कर रही है कुक्कू, और मैं उनके साथ हूँ। ये क्या बोले जा रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? वो मेरे मम्मी पापा हैं और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो क्या हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते? नैना वो लोग अलग नहीं हो सकते। ओके क्यों नहीं हो सकती कुक्कू? हम दोनों अलग हो सकते पर वो अलग नहीं हो सकते। हमारा डिवोर्स उनके डिवोर्स से अलग क्यों है? This is not about us, यार। Exactly, it's about them. तुम क्यों शुरू हो रही हो suddenly? क्या तुमने एक बार भी मम्मी से बैठ के बात की है, पूछा है उनसे कि मम्मा आर यू ओके? तुम्हें आइडिया भी है कि क्या हुआ इनके साथ अभी? उनकी पूरी जिंदगी, उनकी शादी। यार तुम मुझे ज्ञान क्यों दे रही हो? हाँ वो मेरी माँ है ना, मैं जानता हूँ उन्हें। और तुम ज्यादा इंटरफेयर मत करो। तुम अगर घर में किसी चीज को ठीक नहीं कर सकते हो ना, तो ज्यादा खराब मत करो ना। God, you're so selfish. तुम्हें कभी भी एहसास हुआ है कि मम्मी ये शादी में खुश नहीं है? कभी जानने की कोशिश की? नहीं ना, क्योंकि तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हें सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम दूसरों के फैसलों से खुश हो या नहीं। अपने पापा जैसे सेल्फिश हो तुम। ये पापा से कंपेयर मत करो। वो अपने पापा जैसे, हाँ, जिन्हें सिर्फ अपनी खुशी से मतलब है। तुम्हारी इसी सेल्फिश नेचर की वजह से आज ये हालत है हमारे रिलेशनशिप। मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से। और तुम सेल्फिश हो, मैं नहीं। तुम्हारी इज्जत थी ना कनाडा जाने की? अपना घर, अपना शहर, सब कुछ छोड़ के आया था मैं तुम्हारे साथ। मेरी जगह तुम्हें कनाडा से या कहीं से भी ऑफर आता, क्या मैं नहीं जाती तुम्हारे साथ? नॉर्मल कपल्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं इन चीजों में। क्या सपोर्ट कर रही हो तुम? हाँ, जिंदगी छोड़ के कनाडा आ गया तुम्हारे साथ, इससे ज्यादा और क्या सपोर्ट करूं मैं? निभाना ही नहीं, निभाना भी पड़ता है कुकू। और जो तुम ये बार बार मुझे सुनाते हो, तुम्हें क्या लगता है मुझे बुरा नहीं लगता? मेरे साथ जब भी कुछ अच्छा होता है ना कुकू, तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, लेकिन नहीं बोल सकती क्योंकि तुम कभी मेरी खुशी में खुश होते ही नहीं हो। इट्स लाइक मुझे अपने ही सक्सेस से गिल्ट फील होने लगा है। शट अप नैना, बकवास मत करो। इट्स द ट्रूथ। क्या एक बार भी तुमने कहा है कि नैना आई एम प्राउड ऑफ यू? और ये बातें जताई नहीं जाती है, प्यार में वैसे ही कर दी जाती है कुकू। हाँ ठीक है, जता रहा हूँ मैं, पर क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें अभी कुछ फील होता है? तुम्हें पता था कि मैं घुट रहा था वहां पे? तुमने कुछ किया नहीं ना, क्योंकि तुम्हारे सिर्फ तुम्हारा करियर, पैसा, जॉब। क्या तुम चले कमा रही हूं मैं? हमारे लिए तो कमा रही थी, हमारे फ्यूचर के लिए। और ये एक बार भी मत कहना कि मैंने अपना करियर और जॉब को तुमसे या फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। शादी के दूसरे साल कहा था मैंने कि कुकू एक बच्चा करते हैं, सब साइड में छोड़ने को तैयार थी, लेकिन तब तुमने मना कर दिया। हां मना किया मैंने, क्योंकि उस वक्त मेरा कोई जॉब नहीं था और तुम्हारे पैसे से मैं घर नहीं चलाना चाहता था। ये आ गया ना तुम्हारा मेल ईगो। अरे ये मेल ईगो कैसे हुआ? अगर मैं पैसे कमाकर घर चलाना चाहता हूँ तो मेल ईगो कैसे हुआ? दुनिया का हर मर्द ये करना चाहता है नैना। तो क्या ये मेरी गलती है कि मैं वहां जाके सक्सेसफुल हो गई और तुम नहीं हो पाए? ये जो तुम करती हो ना, तुम मुझे एहसास दिलाती हो कि मैं कितना बड़ा फेलियर हूँ। तुम्हें एक मौका नहीं छोड़ती हो ये दिखाने के लिए कि नैना शर्मा कितनी सक्सेसफुल है और कुकू कितना बड़ा फेलियर। हाँ तो तुम हो फेलियर और मैं भी। Look at us, कुकू। I failed as a wife, you failed as a husband, and you know what? You're about to go and fail as a son now. Sorry. Sorry.